हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली दोस्तों, 1 जून का GDC असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी 2023 आ चुका है। किस जून का आया है दोस्तों, आगे वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो क्या है कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं दोस्तों कि जिस जोन का वैकेंसी आया है उसी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको ये पता चलने वाला है कि 2023 का जो GDC का पैटर्न है रेलवे का, उसमें क्या चेंजेज पाया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले दोस्तों क्या है कि एक नोटिस जारी हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि GDC के लिए भी 3 साल या 3 साल से 5 साल तक जो जॉब एक्सपीरियंस है वो हो सकता है, कि 3 साल या 5 साल बाद ही रेलवे में आने के बाद आप GDC का एग्जाम दे सकते हैं। तो हम वो देखेंगे दोस्तों कि क्या वो पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। प्लस में दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है अगर जो आप रेलवे ज्वाइन करते हैं, तो आपको आपको क्या है कि GDC एग्जाम देने का कितना आपको एज लिमिट मिलता है। प्लस में दोस्तों, सिलेबस की भी बात करेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो सिलेबस होता है वो किस टाइप का होता है, कौन कौन से जो ब्रांच के लोग हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग जो टेक्निकल पढ़ाई किए हैं वो उसको फिल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो वीडियो है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी रेलवे को ज्वाइन कर रहे हैं और असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, जिसके पास ITI डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों का इस बार वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। तो दोस्तों आइए, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं डिटेल से। तो फाइनली ये रहा दोस्तों आपका रेलवे GDC 2023 की आपकी वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट की, जो कि दोस्तों आपका देख सकते हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है। रेलवे रिक्वायरमेंट से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि इस वीडियो में आइए डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन से छात्र इसमें वैकेंसी को इसको फिल कर सकते हैं, कौन कौन से एलिजिबल हैं। प्लस में ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग जो भी GDC के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग वैकेंसी केवल मतलब NWR से हैं वही इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो और उनके लिए दोस्तों ये थोड़ा बाद में आता तो ज़्यादा बेटर था, जो अभी ग्रुप डी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद मौका मिल सकता था असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, लेकिन वैकेंसी थोड़ा पहले आ गया, यही 2 महीना बाद आता तो उन लोग के लिए भी फ़ायदा हो जाता जो नए नए ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए डिटेल से चर्चा करते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि डेट एंड टाइमिंग ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन कब होगा, 7/4/2023 से ये आपका आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि 7 जो अप्रैल है उससे ये फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जाएगा। और कब क्लोज होगा ये, 6/5/2023 तक आपका ये चलेगा, आपका रात 12 बजे तक लगभग, ठीक है। तो आइए दोस्तों डिटेल्स यहाँ पे हम जानते हैं आगे चल के। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, उतना हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों क्या है कि असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 1900 ग्रेड पे, जनरल का 120 वैकेंसी है, एससी का 36, एसटी का 18, ओबीसी का 64, टोटल 238 आए हैं वैकेंसी आया है। और यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है दोस्तों A1, जो कि रेलवे का सबसे टफ मेडिकल होता है, सबसे हाई क्वालिटी का मेडिकल होता है A1। तो जो भी लोग A1 मेडिकल का होंगे वही इस जो है असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं रेलवे में। प्लस में दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए GDC के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका, देखिए सेम वही है जो आपका ओपन वैकेंसी में होता है, सेम आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ITI एक्ट अप्रेंटिस सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो दोस्तों क्या मतलब अभी आ रहे हैं, नए नए रेलवे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आप ये जान लीजिए कि देखिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए GDC से बनने के लिए क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर डिप्लोमा भी मेंशन किया गया है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, और लीव ऑफ ITI। और आगे चलते हैं देखिए, कैंडिडेट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ट्रेड्स इंजीनियरिंग प्रिस्क्राइब बाय एवा, मतलब क्या है कि देखिए एवा भी लिखा गया है, कहने का मतलब है कि जो बी नंबर का ही सारा चीज़ है, यानी कि ये जो है इसमें जो मेंशन होते हैं तो बहुत सारा एक सब डिपार्टमेंट होता है, जैसे मैकेनिकल का भी बहुत सारा होता है सब डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल का भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है। तो अगर जो उन डिपार्टमेंट से भी किसी भी से लोग अगर जो पढ़ाई किए होंगे, जैसे मैकेनिकल में आपका ऑटोमोबाइल आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है, थर्मल आ जाता है, तो उस सब से भी अगर जो आप किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आपको क्वालिफिकेशन पता चल गया होगा कौन कौन लोग असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं GDC के द्वारा, ये ठीक है।
इससे रिलेटेड अब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आना चाहिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। कि आप पहली बात ही जान गए होंगे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जीडीसी के द्वारा बनने के लिए लोको पायलट। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ए इंडिकेट अगेंस्ट पोस्ट, ठीक है। तो एज लिमिट क्या है देखिए, वो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया आपका। द अपर एज लिमिट 42 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 42 है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल क्या दिया गया, छूट दिया गया है यानी 45 साल, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 47 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। ये हो आपका एज लिमिट। अप्लीकेशन फ़ी कोई भी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला नहीं है, ठीक है। जीडीसी में कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपका नहीं लगता है। जनरल इंस्ट्रक्शन है आपका, सर्विस रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आर एलिजिबल, ठीक है। मतलब क्या है कि ये नॉर्दर्न रेलवे का जो भी इम्प्लॉई है वो एलिजिबल हैं, लेकिन कौन कौन, लोअर देन द ग्रेड पे लेवल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग, मतलब ये कौन है आपका असिस्टेंट लोको पायलट जो है वो लेवल 2 का है, ठीक है। तो क्या है कि लोबल लेवल 2 का जो है से नीचे वाले जो भी हैं वो सब एलिजिबल हैं, ठीक है। लेवल 2 से नीचे वाले सब एलिजिबल हैं यानी कि ग्रुप 3 के इम्प्लॉय सारे लोग एलिजिबल हैं जो लेवल 1 में है, ठीक है। लेवल 1 में जो है, आगे चलते हैं, सेम 2 में है, सेम ग्रेड पे लेवल स्केल और विच जीडीसी इज बीइंग एल्ड आर परमिटेड टू अपेयर इन सिलेक्शन फॉर नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एलवेज एज सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। यहाँ पर क्या है कि देखिए सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एलवेज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी। कहने का मतलब है इसका कि अगर जो सेम ग्रेड पे से बिलोंग करते होंगे, अगर सेम ग्रेड पे से और सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो, तो वो एलिजिबल हैं, ठीक है। सेफ्टी कैटेगरी के जो अंदर जो आते हैं वो एलिजिबल हैं, सेम लेवल में है फिर भी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो अगर ऐसे ही मान लीजिए ना कि जो लोग लेवल 2 में है, ठीक है, वो लोग लेवल 2 ही में क्यों जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। लेकिन कोई कोई लोग जाना चाहते हैं, जैसे कि टेक्नीसियन है वो भी लेवल 2 में आते हैं, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 में, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट का जो सैलरी है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग टेक्नीसियन से लोको पायलट में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे लोग भी भर सकते हैं, और जो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है रिजाइन मरने का, ठीक है, उनको कोई अति नहीं है। लेकिन क्या है कि जो सेम लेवल में होंगे उनको क्या है, और जाते हैं तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होने वाला है, ठीक है, अगर जो सेफ्टी कैटेगरी में नहीं आते होंगे तो। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं उसको क्या है कि लेवल 2 से लेवल 2 में वो जा सकते हैं, चाहे सेफ्टी नॉन सेफ्टी है। दोस्तों आपका 4th नंबर पॉइंट जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ए नंबर में है दोस्तों आपका, ओनली सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आर एलिजिबल वर्किंग इन फॉलोइंग ग्रेड पे ऑफ लेवल, ठीक है। अब दोस्तों क्या है इसमें है? कि मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जो भी इम्प्लॉई हैं जो कि रेगुलर हैं, ठीक है, रेगुलर काम कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ग्रेड वाले, तो जो लेवल 2 से नीचे वाले हैं, पहले हम बताया गया कि लोअर ग्रेड वाले जितने भी हैं लेवल 1 के सभी एलिजिबल हैं। लेवल 2 से नीचे क्या हुआ, लेवल 1। और दोस्तों लेवल 2 में ये बताया गया है कि सेम ग्रेड पे के जो हैं, मतलब लेवल 2 के जो भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी और सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लेवल 2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 1 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों 3रा नंबर, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग, मतलब जो कैंडिडेट सेम लेवल पे काम कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस वैकेंसी को, मतलब जो लोको पायलट है वो लोको पायलट ही क्यों बनेगा। आगे दोस्तों 2 नंबर, दोज कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन एंड और अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट 6/5/2023 आर नॉट एलिजिबल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन। इसमें कह रहा है दोस्तों कि बहुत लोग ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि इस नोटिफिकेशन का क्लोजिंग डेट कब है, 6 मई 2023, तो बहुत को ये सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, हम जो क्वालिफिकेशन कर रहे हैं ITI, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ITI चाहिए, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट आएगा उतना दिन में, तब हम बाद में अप्लाई कर देंगे, अभी तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो लोग इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका पहले से क्वालिफिकेशन
होना चाहिए। अगर जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कभी भी किसी भी स्टेज में रद्द हो सकता है, ठीक है, कहीं भी जाके अगर जब आप पकड़ा गए तो रद्द हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन जो और जो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो नौकरी से पहले का होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल चाहिए, आईटीआई मांगता है ना, आईटीआई डिप्लोमा, ये सब टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो कि आपका रेगुलर ही होता है, आपका डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ये बोल रहा है कि जो मतलब जो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जो नए लोग होंगे वो ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन लोग अप्लीकेबल होते हैं जीडीसी के लिए। आगे दोस्तों, एलिजिबल इम्प्लॉयज शुड सबमिट देयर अप्लीकेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, अप्लीकेशन सेंड थ्रू ऑफलाइन मोड मैनुअली हार्ड कॉपी NRC जयपुर फीस नॉट एंटरटेन। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, अगर जो ऑफलाइन भेजते हैं तो उसका कोई आपको नहीं उस पर उसको माना जाएगा। आगे है डी नंबर में, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लाइबल टू पोस्टेड एनी वेयर ऑन नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे नॉर्थ। मतलब जो भी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसको नॉर्थ रेलवे में कहीं भी ड्यूटी मिल सकती है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। डिसीजन ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर इन द मैटर ऑफ सिलेक्शन विल बी फाइनल। जो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल का जो डिसीजन होगा जयपुर का, वो सबसे फाइनल डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन लेगा वो सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। द नोटिफिकेशन में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। इस नोटिफिकेशन को इस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, आप इसको इस वेबसाइट विजिट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसी शोन इन द नोटिफिकेशन आर प्रोविजनल एंड द सेम में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ये कह रहा है दोस्तों कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो शो कर रहा है नोटिफिकेशन में वो प्रोविजनल है, वो कभी भी क्या है कि घटाया या बढ़ाया जा सकता है जरूरत के अनुसार, ठीक है, कब अपॉइंटमेंट के समय, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू अल्टर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन और रिकंडक्ट CBT एग्जामिनेशन और टू कैंसल पार्ट और होल ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज। कह रहा है कि रेलवे का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके पास ये राइट है कि वो एग्ज़ाम का जो मोड है उसको कभी भी क्या है कि रद्द कर सकता है, कभी भी कैंसिल कर सकता है, कोई भी प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट स्टेज का उसको कैंसिल कर सकता है, जैसे कोई भी गड़बड़ी हुआ तो उसके पास ये अधिकार है, उसको दोबारा ले सकता है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, फिफ्थ नंबर पॉइंट में दिया हुआ है मेडिकल फिटनेस के बारे में। द कैंडिडेट्स इम्पैनल्ड इन GDC फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट विल हैव टू पास द रिक्विसाइट मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाई द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट्स आर मेडिकली फिट टू कैरी आउट द ड्यूटीज कनेक्टेड टू द पोस्ट। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर हर मेडिकल फिटनेस सिंस इन केस ऑफ अनफिटनेस विल नॉट बी गिवन एन अल्टरनेट पोस्ट। इसमें यह कहा जा रहा है दोस्तों कि आपको क्या है कि सभी चीज़ों एग्जाम पास करने के बाद क्या है कि आपको मेडिकल देना पड़ेगा। अगर आप रेलवे का मेडिकल में पास होते हैं तभी आपको ये पोस्ट दिया जाएगा, असिस्टेंट लोको पायलट बनाया जाएगा। और क्या है कि अगर जब आप अनफिट होते हैं तो कोई भी दूसरा अल्टरनेट पोस्ट नहीं दिया जाएगा। आगे है दोस्तों आपका, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है इसका आपका। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सॉल्व कॉम्प्रोमाइज ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका CBT एग्ज़ाम होगा, फिर आपका एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन फॉलो बाई एप्टीट्यूड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि दोस्तों क्या होगा, CBT होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। आगे है दोस्तों, यानी कि इसमें साइको का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपको साइको नहीं होगा GDC एग्जाम में। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शॉल बी लाइक दैट ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाई RRB। मतलब एग्जामिनेशन होगा दोस्तों वो जो डायरेक्ट RRB जो एग्ज़ाम लेती है असिस्टेंट लोको पायलट का, वो क्या है कि वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही होगा। तो हम बार बार आपको बोलते हैं दोस्तों वीडियो में कि GDC का जो भी वैकेंसी आती है वो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है उसी का सेम होती है, उसी का सेम सिलेबस होता है, सेम क्वालिफिकेशन होता है। बस क्या करता है कि एग्ज़ाम एक लेता है बस, बाहर में दो एग्ज़ाम लिया जाता है, दो तीन तीन एग्ज़ाम लिया जाता है, एक साइको भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट में केवल एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो होगा वो बाहर का एग्ज़ाम होता है उससे सेम होगा। आगे है दोस्तों, आगे है आपका, CBT रिटेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सिंगल स्टेज टू स्टेज। यहाँ पर देखिए, कंडक्टेड इन सिंगल स्टेज, यहाँ पे सिंगल स्टेज होगा एग्जामिनेशन, मतलब लिख दिया गया है कि सिंगल में भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, यानी कि क्या है कि ये चेंज भी कर सकता है। द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली
एज पर मेरिट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है, एकदम पूरा कड़ाई तरीका से मेरिट बनेगा और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। आगे दोस्तों, सीबीटी रिटेन एग्जामिनेशन विल हैव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, देयर शॉल बी नेगेटिव मार्किंग इन रिटेन एग्जामिनेशन एंड 1/3 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन शॉल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कह रहा है क्या कि गलती होगा अगर जो क्वेश्चन तो उसमें से 1/3 आपको काटा जाएगा, जैसे कि आपको पता है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव। आगे दोस्तों देखिए, यहाँ पे है कि द एम्प्लॉय अंडर जीडीसी विल हैव टू पास एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करना होगा, उसको पास करना होगा। द सिलेक्टेड एम्प्लॉय अंडर जीडीसी विल हैव टू पास प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 17 वीक्स एज पर आरबी इतना प्रियर टू अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट फॉर विच दे आर सिलेक्टेड। मतलब जिस पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हो रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, उसको क्या है कि ट्रेनिंग करना पड़ेगा और उसको ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम है उसको भी पास करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कोर्स। द सिलेक्टेड एम्प्लॉयमेंट विल हैव टू पास प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। मतलब क्या है कि ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसको पास करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा। आगे है दोस्तों आपका जी में, द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ सीबीटी रिटेन एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी फिक्स्ड बाय आरआरसी जयपुर एंड विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ड्यू कोर्स। मतलब आने वाले समय में जो है सारा चीज़ है सीबीटी रिटेन एग्जामिनेशन का जो सूचना है आपको आरआरसी का जो वेबसाइट है उस पर मिलते रहेगा आपको, ठीक है दोस्तों। स्टाइपेंड एडमिशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको सैलरी मिलेगा वो 19,200 यूजुअल अलाउंस एज एडमिसेबल, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको ट्रेनिंग में जो है बेसिक प्लस डीए केवल दिया जाता है, यानी कि 19,900 और अभी जो भी उस समय महंगाई भत्ता होगा वो आपको दिया जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए मोड ऑफ अप्लीकेशन दिया हुआ है, कैसे कैसे भरना है इसको आप खुद से देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने बता दिया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय सर्विस सर्टिफिकेट ये फॉर जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर इतना ये है कि मतलब ये सर्टिफिकेट ये आपको अप्रूव करेगा कि हम क्या है एम्प्लॉय हैं। तो इस पर जो है अपना जो पहले से जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से आपको साइन वाइन करवा के यहाँ से ले जाना होता है, ठीक है। अपना जो डिपार्टमेंट का अभी जहाँ काम कर रहे हैं वो ये है, देखिए एस सी एस टी का ये सर्टिफिकेट है, ये आपका देखिए ओ बी सी का फॉर्मेट है, ये आपको बनवा के ले जाना है, बस इतना ही होता है दोस्तों। तो आपको भली भांति समझ में आया होगा दोस्तों कि जो लोको पायलट का जो जीडीसी का एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर करें ताकि सभी को जानकारी ये मिल सके दोस्तों कि जीडीसी जो है वो किस प्रकार का एग्ज़ाम होता है रेलवे में, ताकि जितने भी आने वाले एम्प्लॉई हैं उनको जानकारी ये मिल सके। बहुत लोग ये सोचते हैं दोस्तों, बहुत लोग जानकारी दे देंगे तो उनको जानकारी हो जाएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं बताइएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, ऐसा सोच बिल्कुल नहीं रखना है आपको, सबके बारे में सोचना है, ठीक है। आप अच्छा सोचना शुरू कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा, अगर जब आप बुरा सोचिएगा तो आपके साथ बुरा होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को एकदम शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आने वाले दिन में बहुत सारे मैं वीडियो एलडीसी जीडीसी का जो वीडियो है दोस्तों लाने वाला हूँ, उसमें क्वेश्चन बताऊँगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक लाऊँगा, पूरा लाऊँगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।